स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूव्स इन विस्कस लिक्विड, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूव्स इन विस्कस लिक्विड। ठीक है, देन फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, विस्कस लिक्विड में मूव कर रहा है, तो उस पे लगने वाला जो विस्कस फोर्स है उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखें, 6 पाई ईटा r इंटू वी, जहां पर v क्या है, स्पीड है ऑब्जेक्ट की, r क्या रेडियस है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और ईटा क्या है, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी है, वी लिख दूं, बाकी सब तो क्लियर है, ईटा और आर तो दिखाई दिया, ईटा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, वी क्या है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी बॉल या स्पीयर अगर मूव कर रहा है उसके अंदर, तो उस पे लगने वाला विस्कस फोर्स फोर्स क्या होगा, 6 पाई ईटा r v होगा। ठीक है, फिर एक बहुत फेमस इसका वही है, ऐसे फिर कई बन जाते हैं, तो आप कर ही लेंगे एक, आपको अगर मैंने करा दिया, ये उसमें यूज करेंगे, डैम्ड ऑसिलेशन में कभी ना कभी जरूर आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा SHM में। ठीक है, वहां हम जरूर करेंगे इसको, और वहीं से लिंक होके स्टोक्स लॉ पे क्वेश्चन जरूर आ सकता है JEE में, कभी ना कभी JEE मेन में, मतलब एडवांस में डैम्ड ऑसिलेशन है नहीं कोर्स में, तो मैं आपको वहां पे इसका सबसे यूज बताऊंगा, नहीं तो ऐसे सीधा कहीं चल रहा हो, आपको विस्कस फोर्स दे रखा हो तो ये फोर्स लगा दो इसमें। और ठीक है, इसका नेक्स्ट एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, इसका टर्मिनल स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप, टर्मिनल स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप क्या होगी, किस फार्मूला याद रख लेंगे बेटा, इसका बहुत डायरेक्टली यूज हो जाता है मेंस में। ठीक है ना, टर्मिनल स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप किसको बोलेंगे, तो देखो सबसे पहले रेन ड्रॉप ऊपर से गिरना शुरू करती है, अब गैस भी तो फ्लूड है, तो वो भी विस्कस फोर्स उसका ऐसे ही रहेगा, किसी भी फ्लूड में चले तो हर फ्लूड में कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस पर 6 पाई ईटा r v होगा, यहाँ पे ईटा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी है, फ्लूड है तो गैस में भी है। ठीक है ना, टर्मिनल स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप क्या होगी, टर्मिनल स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप के लिए आप क्या करेंगे, ये आपका मान लो इसका जो डेंसिटी है लिक्विड की रो है, ये डेंसिटी, हाँ लिक्विड की रो मान लेते हैं, वाटर की रो, तो यहाँ से यू इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया गिरना, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है बेटा, जब ये आ रही है ग्राउंड तक, ड्रॉप गिरती हुई आ रही है, तो आप देख रहे हो इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है इस ड्रॉप की, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स है आपका विस्कस फोर्स, वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स ही है ना, स्फेरिकल ड्रॉप मानेंगे। ठीक है, तो जब ये नीचे गिर रही है ड्रॉप, तो इस पर वेलोसिटी वी बढ़ने के कारण इस पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस फोर्स एयर के कारण, इसको आप एयर ड्रैग भी बोल सकते हैं, वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो एक टाइम पर आकर वो नेट फोर्स कौन कौन सा है एयर ड्रैग के अलावा, एक तो इस पर mg लग रहा है बेटा, एक बॉयंट फोर्स भी लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, अगर उसने बोल दिया एयर की डेंसिटी नेग्लिजिबल है तो बॉयंट फोर्स हटा देंगे, नहीं तो बॉयंट फोर्स भी लगेगा, और उसके अलावा एक ड्रैग फोर्स लगेगा जिसको मैं फ्रिक्शनल फोर्स कह रहा हूँ, तो mg, fb और ये सब क्या होंगे एक टाइम पर आकर, क्योंकि ये तो फिक्स है, mg और fb तो फिक्स है, बट ये ड्रैग फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो एक टाइम पर आकर ये क्या करेगा, ड्रैग फोर्स इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट को बैलेंस कर देगा, और उसके बाद फिर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो वो फाइनल वेलोसिटी कहलाती है, नहीं तो बढ़ती जा रही है, उससे पहले एक वेलोसिटी पर आकर नेट फोर्स 0 हो जाता है, जो कि ड्रैग फोर्स mg - fb को बैलेंस कर देता है। ठीक है, और फिर उसके बाद स्पीड चेंज नहीं होती है ड्रॉप की, उसी को हम उसकी क्या कहते हैं, टर्मिनल स्पीड कहते हैं। लिख दीजिए आप, लेट रो आपका क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिख देता हूँ। ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिख देता हूँ, और आपका जो सिग्मा है उसको मैं एयर डेंसिटी बोल देता हूँ, सिग्मा क्या है आपकी, एयर डेंसिटी, आप मैग्नीट्यूड लिख दो इन सब के, बॉयंट फोर्स लिखना आता है आपको कि आप बिल्कुल भूल चुके हैं एकदम, ये आपको याद है, ये FB जो बॉयंट फोर्स चारों तरफ की जो एयर लगा रही है इस पर ड्रॉप पे, वो कितना होगा याद है आप लोगों को, VI into AG, rho L into VI into G, FB हो गया,
ड्रैग फोर्स आपने देखा 6/8, आप टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो VT लिख देता हूँ मैं, ठीक है। स्मॉल m हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी रो दे रखी है 4/3 πr³, ये आपका स्मॉल m हो जाएगा। तो आप तीनों फोर्सेस बैलेंस कर दीजिए एट द स्टेज ऑफ टर्मिनल स्पीड, यही होगा कि तीनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो एट स्टेज ऑफ टर्मिनल स्पीड यहाँ लिख देते हैं अपन, एट स्टेज ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, एट स्टेज ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, तो आपके कौन कौन से ड्रॉप पे फोर्स आ जाए याद करते चले जाएंगे बेटा, थोड़ा मेहनत से सुना करें, बिल्कुल सिंपल है फिर भी। एम जी है, ये आपका बॉयंट फोर्स है, ये आपका ड्रैग फोर्स है, तीनों को बैलेंस कर रहे हैं आप, ठीक है ना। तो एम जी आपने क्या लिखा, अभी ये कर देंगे आप, एम जी इक्वस टू बॉयंट फोर्स प्लस एफ डी। तो एम जी कितना आएगा, ρ/3 πr³ × g। बॉयंट फोर्स आपने कितना लिखा, σ×4/3 πr³ × g। और आपका ड्रैग फोर्स कितना आ जाएगा, 6π ηr × vt। आप सॉल्व कर लो इसको, तो फिर ये जो एक्सप्रेशन आएगा इसको रट लो बेटा ये, ठीक है ना। ये रिमेम्बर है, कभी पूछता रेडियस ट्वाइस कर दी तो टर्मिनल स्पीड कितनी हो जाएगी, या दो चार ड्रॉप्स आके मिल गई, एंड ड्रॉप्स आके मिल गई, ठीक है। तो फिर वो जो पहले ड्रॉप की इंडिविजुअल वेलोसिटी थी उसकी कुछ टर्मिनल स्पीड थी, जो बड़ी ड्रॉप बन गई मिलके उसकी टर्मिनल स्पीड कितने टाइम्स हो जाएगी, ये सब बातें पूछता है। तो ये आप निकालना पड़ेगा इससे, ये बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। इतना भी टाइम नहीं है हमारे पास, फिर आप एक्सप्रेशन बनाने में इधर उधर गलती कर सकते हो। तो आप इसको याद रखिए बिल्कुल, ठीक है ना, कोई चांस नहीं है कि आप इसको भूल जाएं। 2/9, अगर एयर की डेंसिटी नेग्लिजिबल बोले तो सिग्मा हटा देना, बस सिग्मा हट जाएगा। ρ² g/η, 2/9 ρ − σ² g/η, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल स्पीड ऑफ फॉलिंग ड्रॉप, ठीक है। कि थोड़ी देर बाद क्या होता है, क्योंकि ड्रैग फोर्स स्पीड के साथ बढ़ता जा रहा है बेटा, 6π ηr v वेलोसिटी का प्रोपोर्शनल है, इसलिए एक टाइम पर वो नेट डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर लेता है, उसके बाद कोई एक्सलरेशन जनरेट नहीं होता है, तो इसलिए कांस्टेंट स्पीड से ड्रॉप गिरती जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम टर्मिनल स्पीड कहते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ तक की सारी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को टर्मिनल स्पीड लिखने में, कोई डाउट किसी का तो बताइए।